नमस्कार, आकिब सीवन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग चमनपुर में खड़े हुए हैं और देख लीजिए, ये आंदोलन का भीड़ हम नहीं दिखा पा रहे हैं या किसी राशन की दुकान की भीड़ का तस्वीरें हम नहीं आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उन किसानों का दर्द हम दिखा रहे हैं जहाँ पर कहा जाता है कि खाद की किल्लत को लेकर किसान अब बेचारों का नाम हो चुका है। इसीलिए हम उनको बोलते हैं बेचारा। एक तो किसान कभी मौसम के मार से मारे जाते हैं तो कभी खाद की किल्लत से हम मारे जा रहे हैं। आखिर ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये किसान सभी इसी क्षेत्र के हैं और लाइन में सुबह से लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर हमने किसानों से बातचीत किया होगा, सारे किसानों का कहना है कि सब किसान 6 बजे से लगे हुए, सारे किसान यहाँ पर 6 बजे से है। और तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि काफी संख्या में यहाँ पर किसान है और किसानों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुकान का नाम दीपक इंटरप्राइजेज है, चमनपुर में इनका दुकान है। खाद की किल्लत आ रही है और यूं कह लीजिए कि जिला प्रशासन के सराहनीय पहल के वजह से खाद की उपलब्धता जिला में कराई गई है। उसको लेकर आज सुबह से ही खाद को लेकर खाद के दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, तमाम क्षेत्रों में जितने खाद के दुकान है और जहाँ पर खाद उपलब्ध है, तमाम जगहों पर अब खाद की भीड़ वहाँ पर किसानों की भीड़ देखने को मिल रही है। मगर सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दे कि आखिर खाद की किल्लत क्यों हो पा रही है। ये सभी किसान जो लगे हुए हैं, एक तो अपनी फसल को इतने मेहनत करके उपजाते हैं और फिर समस्या आगे ये आती है कि आपको खाद नहीं मिल पाता है, तो सबसे बड़ी परेशानी है। हम यहाँ के किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सुबह वो 6 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं और खाद लेने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें ये भी आती है कि किसान लगातार प्रत्येक इसमें जो किसान लगा हुआ है वो कम से कम 6 से 8 दिन तक यहाँ पर दुकान पर दौड़ चुका है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं आ रही है, ये 5 प्रखंड की बात है, ये पूरे जिले की समस्या आ पा रही है। खाद की किल्लत को लेकर किसान काफी परेशान है और तस्वीरें देख लीजिए कि किसान किस तरीके से आस में खड़े हुए हैं और खाद की किल्लत को लेकर तमाम यहाँ पर महिलाओं की भी भीड़ देखी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला लोग बैठी हुई है खाद के लिए यहाँ पर, और तस्वीरें देख लीजिए कि ये किस प्रकार से अब तस्वीरें अब निकलने लगी है। हम बातें करना चाहेंगे और किसानों की बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि उनको ये सामान उपलब्ध कराया जा रहा है अनुदान से लेकर सारा चीज, मगर सबसे बड़ी बात है आखिर खाद की किल्लत क्यों हो पा रही है। इस पर विशेष पहल होनी चाहिए क्योंकि अब फसल खराब होने लगी है किसानों की। आज जो बारिश हुई है किसानों को काफी राहत मिला है, मगर इससे पहले अगर बारिश नहीं होने की वजह से किसानों का फसल काफी खराब हो रहा था, फसल गलने लगे थे, मगर आज के बारिश के बाद फिर किसानों को खाद की जरूरत पड़ रही है और वे खाद के दुकानों पर आकर खाद के लिए सुबह से ही लाइन में लगे हुए। और तस्वीरें देख लीजिए कि लग रहा है कि किसान किसी राशन की दुकान पर या किसी आंदोलन पर बैठे हुए हैं। कितनी भीड़ अब देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल इसमें कहा जाएगा कि आखिर किसान क्यों परेशान है। किसान अपनी फसल को उपजाने के लिए, जैसे आप अपने जैसे बेटे को पालने के लिए उसकी भविष्य की चिंता रहती है, वैसे ही किसानों को अपनी फसल की चिंता रहती है। मगर ये तमाम तस्वीरें अब निकलने लगी है कि किसानों को खाद नहीं मिलने की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी अब झेलना पड़ रहा है। तस्वीरें देख लीजिए, ये चमनपुर की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं और किस तरीके से अब किसानों का दर्द निकलने लगा है। ये तमाम तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ के क्षेत्र के सारे किसान यहाँ पर मौजूद है और खाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और खाद एक एक करके वहाँ से दिया जा रहा है और सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। मगर सबसे बड़ी बात यहाँ ये कही जाएगी कि आखिर इतनी खाद की किल्लत क्यों हो पा रही है। किसान कभी परेशान है, इसको लेकर तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, शिवर से हम दिखा रहे हैं ये खबर। आकिब रजा की रिपोर्ट। किसान का दर्द कोई नहीं समझता और देश निर्भर किसान पर है। किसान और जवान, किसान को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि किसानों को लबरा सरकार है, सब झूठा सरकार सर। क्या कहना चाहिएगा इस अभी तरह? हवा हवाई मीडिया में देगा, यह दिल्ली वह दिल्ली मिले कुछ नहीं। वहाँ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किसानों को हर समय पेट्रोल डीजल का दाम आकाश छू दिया, जिससे किसान का 2000 के बीघा खेत जुताई पड़ता है एक बीर में। पंपी सेट भाड़ा पर अगर पटौन करता है तो घंटा में 1 कट्ठा पड़ता है, 200 रुपया लगता है, तो उसके लिए आपको डीजल अनुदान भी तो दिया जा रहा है। कई रुपया खेती कौन करता है? खेती करता है गरीब किसान मजदूर, और डीजल अनुदान मिलेगा जमीन वाला को, जो हुंडा बटाई किया उसको कहाँ से मिलेगा? उसका रसीदे ना कहाँ से मिलेगा? खेत 5 बीघा में धान रोप दिया, कहाँ से आएगा?
तो सर जमीन पर आता इंक्वायरी करता है खेती कौन किया उस व्यक्ति के हाथ में देता तब ना तो रसीद द्वारा है तो रसीद जिसका है उनको मिलेगा। आए दिन एक महीने से खाद की किल्लत हो रही है, सुबह से खाद की यहाँ पर जितने किसान है प्रत्येक कोई 8 दिन से दौड़ रहे हैं कोई 10 दिन से दौड़ रहे हैं। इसी तरह हुआ यूरिया पर लोग खेत बुआ धान के रोपाई हुआ था अब उड़ियो न मिले था न कुछ मिले था कथी से किसान करो। एक तो वर्षा नहीं बरसन किया दूसर का नंबर सरकार भीर गया ये खाद समय से नहीं किया। खाद आप लोग को समय से नहीं मिल पा रहा किसान इसमें भी काफी परेशान है। आज देखिए बहुत सारा लोग बासी मुँह छह बजे से बोलते हैं बहुत ही खेले होते दुकान में गए लिट्टी खेले होते चाय पीले क्या कहना चाहिएगा इस पर आप सरकार को तो काम था खाद फ्री कर देना रेट 2 रुपया कमी हो या बेसी हो जहाँ मर्जी होता वहाँ ले लेता किसान तो भूखा हुआ रेट के पीछे नहीं करता। चौरौका 800 रुपया 500 रुपया बिक रहा है उसको कहाँ से आता है खाद कहाँ बिक रहा है बताइए। अब बता अब अभी खुआ है भूखल है और 500 में दिया ले लिया भाग गया अब पूछेगा जब कहाँ मिला था कहाँ बताइए। अब ओकरा तो वो चोर बाजारी मिल गए तो बोले हमारा मौका पर मिल गए हम कहा जाओ बदनाम करें अब हरिया में मिल गया किसी को जोड़िया में मिल गया उकाला जा ढोल पीटे। यहाँ पर कैसे रेट में दिया जा रहा है खाद आप यहाँ तो 75 270 अभी 270 प्लस में दवाई मर्जी नहीं लीजिए नहीं लेना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बारिश हुई है आज सुबह में रात को उसको लेकर सबसे ज्यादा खादों की दुकानों पर यह तो किसान का जरूरी है बारिश हो गया सब लोग बेचैनी रह लिया खाद छीट देते यही कुछ धान हो कैसे हो जाए नहीं मिल रहा है सब यही कहानी है भर रौदी तो किसान बुआते है या बारिश हो गई बुआते लाठीचार्ज की कितना नंबर लाइन में लगा होता है लाठीचार्ज करा रहे पावर के यूज कर रहा है आ यही किसान लाठी के चार्ज में जब आंदोलन शुरू कर देगा तो खाद खाते तो रह जाएगा हम वीडियो बना ले सरकार संभालते रहे जवाब पूछा जाएगा लाठी किस कारण का आपका घर में चोरी की डकैती की बोरा लूट लिया लाठी चार्ज किया काहे लाठी चार्ज हुआ सबसे घटिया किसान का बेटा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम। कहाँ से आए हुए हैं? खाद के लिए आए हैं। कितने दिन से खाद के लिए आप यहाँ दौड़ रहे हैं? खाद के लिए तो हम 1.5 महीने से दौड़ रहे हैं। 1.5 महीने से दौड़ रहे हैं। खाद ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि यहाँ खाद उपलब्ध हो और आपको खाद ना मिला हो? नहीं अब इतना ना भीड़ हो जाता है कि किसी को आटा किसी को नहीं आटा तो उस समय दुकान पर क्या कहा जाता है? आप दुकान पर सीधे वहाँ दुकानदार बोलता है कि अब वो खत्म हो गया तो हम कहाँ से दें। यहाँ पर आज कितने सवेरे से लाइन में लगे हुए? सुबह हम 7:30 बजे से लगे सुबह 7:30 बजे से लगे हुए हैं। ठीक है चलिए। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण ठाकुर। खाद के लिए आए हुए हैं? आज सुबह कितने बजे आए थे खाद के लिए? हम 8 बजे आए हैं इसलंग। इसलंग 7 बजे आए हैं। कितने दिनों से आप खाद के लिए यहाँ दौड़ रहे हैं? बहुत दिन से नहीं मिलता है बहुत अच्छा से हम लोग खुद का ताजा खाद हम लोग नहीं जाते हैं फिर आप नहीं जाते तो कहाँ से देंगे मिलता है तो आए हैं। कहाँ मकान हुआ आपका? मकान बिशुनपुर बगल से है। बिशुनपुर मकान। क्या नाम हुआ? जगन्नाथ बैठा। जगन्नाथ बैठा जी। कितना सुबह यहाँ खाद के लिए आप आए हुए थे? एकदम 6 बजे आए। काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बहुत भीड़ था जब हम लोग मुंह पर थे ना तो जब अथी आप फोर्स सब आया है जब हल्ला हुआ है कस के धक्का दे के हम लोग को बाहर हो या पुलिस मारने को दौड़ा है तो हम लोग इधर चले आए हैं पीछे हो गया पीछे वाला लोग आगे हो गया उसी खाद की किल्लत का आप लोग को सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी। कितने दिन से खाद के लिए दुकान पर दौड़ रहे हैं? ऐसे तो हम लोग महीना दिन से दौड़ रहे हैं कहियो नहीं मिला एक रोज नहीं मिला हम लोग का। आज खाद आप लोग को मिलने वाला है सुबह से लोग लाइन में भी लगे हुए इस पर क्या कहना चाहिएगा? इस पर करना क्या मिल जाएगा तो ठीक है नहीं मिलेगा तो हम लोग करेंगे क्या हम लोग को कोई क्या कर सकते हैं हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। जिला प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है। जिले में खाद की उपलब्धता बहुत है किसान अपने अपने नजदीकी दुकान पर जाकर खाद ले सकते हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम अपने नजदीकी दुकान पर जा रहे हैं वहाँ खाद नहीं मिल पा रहा है? कहाँ मिल रहा है? मिलता नहीं है खाद मिल नहीं रहा। हम लोग अच्छा रेट के बारे में बात कर ले यहाँ पर रेट कैसे है? यहाँ पर रेट बोल रहा है कि 266 रुपये 266 रुपये आप लोग को मिल यहाँ पर कितने रुपए मिल रहा है रेट में आप लोग को बोरा? 266 कितने रेट में बोरा मिल रहा है? 270 में मिल रहा है। इसे आप लिए हैं? नहीं लोग लिया है सर। लोग लिया है 270 रुपया आप लिए हैं? ना अभी हम ही लोग नहीं लिए। नहीं लिया।